जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक ने लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजन आयोजित न करने की अपील की। कोरोना वायरस के दृष्टिगत इस समय पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। इसी के तहत जनपद संभल में भी पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने लोगों से अपील की कि वे इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रशासन को दें और किसी भी प्रकार के सामूहिक धार्मिक आयोजन न करें। पुलिस अधीक्षक ने अपील करते हुए लोगों से कहा कि किसी भी प्रकार के सामूहिक त्यौहार उत्सव पूजा और नवास का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए तथा लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं, शहर इमाम व शहर काजी ने भी लोगों से गली गली घूमकर अपील करते हुए कहा कि वे आने वाली शबे बारात के दिन और जुमे की नमाज के लिए घरों से ना निकलें और घर में ही रहकर अपनी इबादत करें। बहुत जरूरी काम से ही बाहर निकले। का अनुपालन कराया जा रहा है। इसी के मद्देनजर जितने भी त्यौहार पर्व धार्मिक उत्सव या नमाज वगैरह की स्थिति, जुमे की नमाज की स्थिति होती है, उन सभी से अनुरोध करके सभी